नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQIndia.com पर लेकर आया हूँ क्वालिटी टॉपिक एलिमेंट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत काइजन। काइजन क्या होता है आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। व्हाट इज काइजन? काइजन काई यानी चेंज और जेन यानी कि गुड यानी बेटर को मिला करके हमारा जो काइजन बनता है यानी कि चेंज फॉर गुड यानी चेंज फॉर बेटर। यानी कि काइजन एक जापानी शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, काई और जेन, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर यानी अच्छे के लिए बदलाव होता है। चलिए और आगे से देखते हैं कि काइजन क्या होता है। ऐसा कोई बदलाव जिससे कुछ अच्छा हो सकता है उसे काइजन कहा जाता है। यह एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है जिसको लगातार सुधार प्रक्रिया बोलते हैं। यह कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्रोसेस है जिससे हम लगातार बढ़ते जाते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, फिर एक पॉइंट पर चेक करते हैं कि इससे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। निरंतर इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं और काम में सुधार आता रहता है तो वो काइजन होता है। काइजन छोटे छोटे बदलाव होते हैं। किसी भी कार्य या सिस्टम में इम्प्रूवमेंट है और कार्य करना आसान भी हो जाता है। काइजन करने से जो बिना मतलब का काम होता है वह समाप्त हो जाता है, कार्य में सुरक्षा आ जाती है, प्रोडक्शन में भी सुधार हो जाता है, साथ ही प्रोडक्शन कास्ट की भी लागत यानी कम हो जाती है, कास्ट भी कम हो जाती है। चलिए और आगे देखते हैं। काइजन का एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं मैं, कैसे हम काइजन कर सकते हैं, छोटे छोटे काइजन्स। देखिए, ये हमारा वर्कर है जो हमारे लिए काम कर रहा है और इस झुक करके काम कर रहा है, जिसकी इसके पीठ में यानी कमर में दर्द है। तो इसको हमने एक छोटा सा काइजन किया और ये टेबल दे दी जिसकी वजह से ये खड़े होकर के और आराम से काम कर सकता है। तो इस उदाहरण से साफ है कि पहले इस आदमी को टेबल पर झुककर काम करना पड़ रहा था जिससे उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। हमने छोटा सा एक बदलाव किया जिसको काइजन कर दिया, टेबल की हाइट को बढ़ा दिया जिससे वर्कर अब आराम से खड़े होकर अपना कार्य कर सकता है। तो देखिए, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने काइजन को कैसे समझाया आपको। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए, ये सारे सामान टूल्स हैं जो बिखरे हुए पड़े हैं। अब इसमें से हम ढूंढना है हमको टूल कौन सा है, तो हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, समय भी बर्बाद होगा। तो इसके लिए हमने काइजन कर दिया। काइजन क्या किया कि एक बोर्ड पर इसको सारा डिस्प्ले कर दिया और जगह जगह इसको नामांकित करके वहां पे लगा दिया। तो इस तरीके से एक छोटा सा काइजन हुआ जिससे हमें समय की बचत और कहाँ पे कौन सा सामान रखा है तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको भी काइजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ कि मान लीजिए किसी कंपनी में कोई वर्कर है और सारे टूल को एक साथ ही एक बॉक्स में रखता है और बाकी टूल को इधर उधर रख देता है। उसके पास रखने के लिए कोई सही स्थान नहीं है। जब उसे कोई टूल की जरूरत होती है तो इधर उधर उसे ढूंढता रहता है, इससे वह परेशान हो जाता है और साथ में समय की बर्बादी भी होती है। इसलिए काइजन करके हमको इसको बचा जा सकता है। काइजन का और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये एक बोझा ढोलने के लिए आदमी सर पे लिए चला जा रहा है, लेकिन अगर उसको अगर हम टेक्निक देखें, इजी काइजन कर दिया, ट्रॉली पर रख करके ले जा सकते हैं। ऐसे ही दूसरा काइजन ये है, टू बिजी टू इम्प्रूव, यानी कि अगर इस तरीके से हम कोई चीज़ खींच रहे हैं और उसको अगर एक आइडिया लगाकर ट्रॉली बना ली जाए तो हमारा ये काइजन होता है। तो इस तरीके से हम काइजन कर सकते हैं। काइजन मतलब बदलाव, चेंज फॉर बेटर। चलिए आगे देखते हैं और काइजन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस में काम करने में कोई कठिनाई होती हो तो वहां पर इसे आसान बनाने के लिए उचित काइजन कर सकते हैं। यदि हमारे वर्क प्रोसेस में कोई काम अननेसेसरी है तो उसे हम ढूंढकर खत्म करना चाहिए, उससे काइजन करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज्यादा बेहतर बनाने में हम काइजन करते हैं। एनर्जी सेविंग करनी हो, जहां पर हमें एनर्जी की सेविंग हो वहां पर, जैसे बिजली की लाइट की जो बचत करनी हो वहां पर, अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं काइजन तो वहां करते हैं। समय की बचत अगर कहीं पे है, जहां ज्यादा समय लग रहा है वहां कुछ ऐसा कर दिया कि हमें कम समय लगने लगे तो वहां समय की बचत के लिए काइजन हो जाता है। कंपनी में सेफ्टी के लिए भी हम काइजन करते हैं, जैसे कोई दुर्घटना ना हो। कंपनी में वेस्ट प्रोडक्ट को
वापस से रीयूज करने में भी हम काइजन कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी वेस्ट हो रही है, उसमें हमने अपना दिमाग लगाया, काइजन किया और उसको दोबारा हम यूज कर लिए, तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं काइजन को। काइजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? पुराने समय को ना देखें, यानी आइडिया आपका पुराना हो सकता है लेकिन उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि यह नहीं हो सकता, ये सोचना चाहिए कि ये हो सकता है। पहले के उदाहरण में हमें सीखना चाहिए कि जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार लाना चाहिए, जिससे हमारा और बढ़िया काइजन हो जाता है। एक एक्सपर्ट से अच्छा है कि एक टीम बनाकर काम करना चाहिए, इसलिए टीम बनाकर काम करने से लोगों को शामिल करिए। परेशानी या गलती के मूल कारण को ढूंढना चाहिए कि क्यों हो रही है, उसके अनुसार हमें न्यू स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। काइजन सस्ता, सुंदर, टिकाऊ यानी ड्यूरेबल यानी चीप एंड ब्यूटीफुल होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। काइजन को लागू करने के स्टेप क्या क्या है? सबसे पहले हमें यह निश्चित करना होता है कि हमें काइजन की कहां पर जरूरत है और किस लिए जरूरत है। फिर उसके बाद हम किस प्रकार काइजन करना है वहां की स्थिति को देखते हैं और समझते हैं। फिर मूल कारण की जांच करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है, उसका रीजंस क्या है। काइजन करने से प्रक्रिया में कोई बदलाव तो नहीं होगा, यानी कोई दिक्कत और तो दिक्कत नहीं आ जाएगी, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। काइजन किसी दूसरी प्रोसेस को प्रभावित तो नहीं करेगा, पहली बना लीजिए हमने पहला प्रोसेस में कोई काइजन कर दिया और दूसरे प्रोसेस में उसकी दिक्कत आ रही है, तो काइजन फिर बेकार है। तो इसलिए काइजन किसी दूसरी प्रोसेस को प्रभावित नहीं करना चाहिए। क्या काइजन सुरक्षा की दृष्टि से सही है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं, फाइव एलिमेंट्स जो काइजन के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। काइजन के फाइव एलिमेंट्स, पहला है अपना टीम वर्क, आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि आपको स्वयं डिसिप्लिन में रह करके काम करें। ऑलवेज लुकिंग टू इम्प्रूव, हमेशा इम्प्रूव की को देखना चाहिए, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ क्वालिटी यानी होना चाहिए, यानी गुणवत्ता वाला आपका काइजन होना चाहिए। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा साझा करते रहें, कोई भी इम्प्रूवमेंट हो बताते रहें। तो ये पांच एलिमेंट होते हैं हमारे काइजन के। चलिए और आगे देखते हैं, बेनिफिट ऑफ काइजन, काइजन के क्या बेनिफिट्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है हमारा कि प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं बढ़ जाता है, सेफ्टी भी इससे बढ़ जाती है काइजन करने से, डिफेक्ट में सुधार होता है, क्वालिटी में सुधार होता है और प्रोसेस में भी सुधार होता है। अगर आपने काइजन कर दिया तो प्रोसेस भी आपका अच्छे से चलेगा। कर्मचारी का मोरल बढ़ता है, मोरल बढ़ता है क्योंकि वो खुश होता है, उसको अच्छा लगता है, उसकी फटीग कम होती है तो उसका मोरल बढ़ता है। प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाती है, जो लागत होती है वो भी काइजन करने से लागत कम होती है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, यानी कस्टमर खुश हो जाता है, वो आपको कहता है हाँ यार बेटर काइजन है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं आ रही है। सिस्टम में सुधार होता है, यानी जो भी सिस्टम आप चलाएं उसमें और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो सिस्टम में सुधार हो गया। और लास्ट है हमारा, वेस्टेज में कमी आती है, यानी कि जो भी प्रोसेस में वेस्टेज है या जो कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वेस्टेज हो रहे हैं, हम काइजन से उसको बचा लिए तो वो हमारा बेटर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने काइजन के बारे में जाना, काइजन के बेनिफिट्स, काइजन को कैसे करें। इसी के साथ मैं यही चाहूंगा कि आप इस काइजन को सीखिए और अपने प्रोसेस में, अपने फैक्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट करिए। और इसी के साथ मैं छोटों से चाहूंगा प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ मैं यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में डालिए अगर और कुछ चाहते हैं तो। और नए नए टॉपिक के लिए आपको प्रेस बेल आइकन, जिससे नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। धन्यवाद।